यार क्लास 10 में आते ही एक बहुत इंटरेस्टिंग फीलिंग होती है मेरे ख्याल से हर ग्रेड में जो आप जाते हो, तो जब एक नया ग्रेड होता है तो उसके किताबें जब आती हैं, उसके लिए नोटबुक जब खरीदते हैं, जब नया क्या कहते हैं वो खरीदते हैं ना, क्या कहते हैं हम उसको, जिल कहते थे, जिल कवर जो खरीदते हैं ब्राउन कलर का, फिर लेबल्स खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, उसके साथ साथ बहुत बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक्स भी खरीदते हैं। तो बहुत दिनों से क्लास 10th वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जी रेफरेंस बुक सबसे बेस्ट कौन से है क्लास 10th के लिए सारे सब्जेक्ट्स का, तो ये रहा वो वीडियो आप लोगों के लिए। लेकिन ये जो मेरा आज का पॉइंट होगा, सारे सब्जेक्ट्स का मैं बताऊंगा आपको रेफरेंस बुक, लेकिन वो आज का मेरा तीसरा पॉइंट होगा। वो जो उसके पहले दो पॉइंट्स और बताने हैं आपको, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये इंश्योर करेगा कि आप ज़्यादा पैसे और वक्त दोनों बर्बाद ना करो रेफरेंस बुक्स को लेकर। हाँ, मेरा यही ओपिनियन है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कैसे हो मेरे शेरो शेरियो, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांत। तो कैसी चल रही है बच्चों की जिंदगी, सब बढ़िया? तो वीडियो के एंड तक देखना, 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, पूरी क्लैरिटी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर शुरू करते हैं, पहले पॉइंट से। लेकिन पहले पॉइंट से पहले मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो इस चैनल पर, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि भाई इनमें से कौन सा रेफरेंस बुक आप खरीदने वाले हैं। और उसके अलावा 10th के पूरे मोटिवेशन और स्टडी प्लान के लिए, पूरे के पूरे करियर काउंसलिंग के लिए मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं भुवनेश्वर, आ रहा हूं मैं दिल्ली, पटना, हैदराबाद, पुणे। और कब आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, उसके डिटेल्स आपके सामने, लोकेशन भी आपके सामने, बहुत सारे अमेजिंग गेस्ट और बहुत सारे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज भी आने वाले, बहुत सारे गुडीज भी बटने वाले हैं। अगर आप मिलने आना चाहते हो तो भाई रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और रजिस्टर कर डालिए अभी के अभी। डेट्स भी आपके साथ सामने है ही, सिर्फ 3 से 4 घंटे का प्रोग्राम होगा, 10 बजे से 1 बजे तक, बाकी सब तो जानते ही हो आप, मिलते हैं सेशन में। चलिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये कि भाई NCERT भगवान है, ठीक है, जो भी भगवान आप मानते हो NCERT भगवान है। आप कोई भी रेफरेंस बुक करेंगे, पहले NCERT करोगे, उसके बाद ही रेफरेंस बुक करोगे, ठीक है। और रेफरेंस बुक तभी करना जब NCERT के हर एक चीज आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, उसके बाद कुछ टॉपिक समझ ना आए तो समझने के लिए कुछ टॉपिक्स हो जरूर कर लेना रेफरेंस बुक से। और उसके अलावा NCERT के सारे सवाल हो जाने के बाद अगर और सवाल प्रैक्टिस करने हैं तो पहले आप प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन करोगे और उसके बाद आप जाकर रेफरेंस बुक के सवाल करना शुरू करोगे, वरना रेफरेंस बुक को छूना भी मत। ये पहले ही बता देता हूं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। टाइम और पैसे दोनों बर्बाद मत करना, तो अभी लेने की जरूरत नहीं है, दैट इज माय क्लियर कट पॉइंट। रेफरेंस बुक्स को अभी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको स्कूल्स के एग्जाम के लिए कुछ लेना है तो ये मैं सजेस्ट करूंगा, क्यों बता देता हूं, वो भी बोर्ड के एग्जामिनेशन का सिलेबस और सवाल डिटरमेंटल है। आप आराम से भाई उसको कैलकुलेट कर सकते हो, भाई कौन सा ना प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता। स्कूल में आपके टीचर्स थोड़े से डिफरेंट टाइप के सवाल देते हैं, आप जानते होंगे, है ना। तो स्कूल में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पहले ये देख लेना कि भाई साहब आपके स्कूल के टीचर्स कौन सा रेफरेंस बुक इस्तेमाल करते हैं, हो सके तो वही उठा लेना, नहीं हुआ तो फिर खरीद लेना नया, है ना। सेकेंड पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, ये याद रखना, कोई भी रेफरेंस बुक आप खरीदते हो सिर्फ 2 वजह से होगा, एक NCERT में लिखा हुआ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, 2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे YouTube के वीडियोस और बहुत सारे रिसोर्सेज जो भी फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन। नंबर 2, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस, YouTube पे ही हर साल हजारों क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं बहुत सारे सेशंस के, सो प्लीज मेक श्योर दैट कि भाई आप उसी से कर सकते हो, तो पैसे बचाओ वक्त भी बचाओ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई अभिषेक सर रेफरेंस बुक की तरफ तो भाई है ही नहीं, है ना, यू गेट दी आइडिया, बेकार लगता है मेरे को फिलहाल। तो अब आती है तीसरी पॉइंट कि भाई रेफरेंस बुक बेस्ट कौन से हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए साइंस का बता देता हूं, एशियंट इज अ ग्रेट बुक, और उसके साथ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कोई भी उठा लो, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, अमेजिंग है, सब बढ़िया है, ओसवाल, प्रदीप, ऑल इन वन, आपका अरिहंत, आपका एडुकार्ड, जो उठाना है उठा लो, मैंने कुछ बोला नहीं, वो भी उठाना है उठा लो, अगर प्रैक्टिस करनी हो और ये बाकी सारी चीजें ना हुई हो तो। और क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूं, मैंने आपको साइंस का बता दिया, अब मैथ्स का तो बता सकता हूं, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, बेस्ट, ग्रेट, फैंटास्टिक, फुल स्टॉप, डन। एसएसटी और इंग्लिश का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो मैंने सुरभि मैम और ओशिन मैम से पूछ लिया और उन्होंने ये किताबें सजेस्ट करी हुई हैं, आप देख सकते हो आपके सामने। अब इसके अलावा भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक्स हैं, जिनका लिस्ट मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, देख लिया बेटा। तो आपको ये बात तो समझ में आएगी कि रेफरेंस बुक इज योर लास्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज ऑफकोर्स NCERT, देन ऑफकोर्स द फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जैसे NCERT के सॉल्यूशंस का हमने बना दिया आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का प्यारा सा अमेजिंग सा PDF। तो करना क्या है भाई, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
जाओ, आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पीडीएफ, क्लिक करो और आपको बस वेदांतो पे साइन अप कर देना है। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो चिंता नहीं है, गूगल साइन अप कर लेना, इट विल टेक हार्डली 5 सेकंड्स और आपके सामने सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो जाओ क्लिक करो, ले जाओ फ्री में, वो भी फ्री में दे दिया, अब क्या चाहिए और। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आप क्या रेफरेंस बुक इस्तेमाल करने वाले हो कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मेरे शेरो शून्य।